क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला प्रशासन पर गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम ने पत्रकार परिषद पर लगाया चुनावी दौरे में उत्पीड़न का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम ने आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया। यहां की सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन हमारे ऊपर कड़ी निगरानी करने के बावजूद भी जगह जगह रोकना टोकना जारी। क्षेत्र अधिकारी इटवा पर आरोप लगाया कि हमारे प्रचार प्रचार में दखल दिया जा रहा है। और यह जानकारी जब पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर धर्मवीर सिंह से बात की तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही। अगर वो गुंडागर्दी से पुलिस और प्रशासन के बल पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जो है जितनी उत्पीड़न कर रहे हैं, मैं खुद भी आके इलेक्शन कमीशन के सामने मैं अपने आप को जो कहें हम उसी का हो जाए। अगर डायरेक्ट उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो बैठ के हमको बुला लें, तो मैं खुद भी जनता से अपील में अपने पुलिस माध्यम से लेकर बात रखता हूँ। आम जनता का इलेक्शन है, जनता चुनती है प्रत्याशी को। ये जबरन जो है हर चीज वो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जो है रोक के बैठाया जा रहा है। किसी के परिवार में अगर किसी को मुकदमा है तो उसके परिवार और थाने में कर बैठाया गया जो है वहाँ पे। मैंने कप्तान से बात किया, वहाँ बात किया, ये सिर्फ हैकरिंग का काम कर रहा है। बीजेपी रेड कार्ड थमा दिया है। रेड कार्ड थमाने के बाद सिर्फ बीजेपी के पक्ष में जो है जो गठबंधन के हमारे साथी हैं कार्यकर्ता हैं उनको रेड कार्ड थमा के उनको उत्पीड़न करना, उनको चुनाव से प्रभावित करने का काम कर रहा है। आपका जाने का मतलब है कि प्रशासन के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा है आपके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। सीओ का दोहरी बात था, उन्होंने कहा गाड़ी सीज कर देंगे, सीज कर दीजिए, ले चलिए। हम पर्सनल बताइए, मैं समय कम है, मैं पैदल चला जाऊं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ऊपर हमारा बात हुआ है, ऊपर से निर्देश है। तो मैंने कहा ऊपर से निर्देश, मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कप्तान साहब ऐसे कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं भी तुरंत गाड़ी छोड़वाता हूँ, आप अपनी गाड़ी परमिशन हुआ गाड़ी है वो आप ले जा सकते हैं। डीएम ने भी यही बात कहा। फिर 10 मिनट के बाद फोन आ गया, नहीं नहीं गाड़ी थाने में ले चलिए। जब थाने में मैं गया, जब वहाँ जनता आने लगा और उसके बाद फोटोग्राफी आज का जमाना है बिल्कुल, तब ये लोग घबरा के बिल्कुल जो है बोले नहीं आप सब तीनों गाड़ी चाहिए। रात में हमारा जो है इन्होंने 12 बजे से लेके और 3 बजे रात तक उसको बैठाए रह गए। क्या यही नैतिकता है जो है भाई? आपका पूरा नियम कानून बना है, हम घर से निकल रहे हैं, आप पूरा वॉच कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, मैं गलत हूँ तो आप हमारे खिलाफ FIR करिए, मैं उसमें कोई बात करूँ तो फिर भी सजा मुझको दो। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।